ओम नमः शिवाय। आज 28/11/2022 का राशिफल के बारे में देखेंगे और देखेंगे निफ्टी फिफ्टी मार्केट में कब अप होगा, कब डाउन होगा। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा था 24/11/2022 को निफ्टी फिफ्टी क्लोज हुआ था 18,510.85 में, और 25/11/2022 को निफ्टी फिफ्टी ओपन हुआ था 18,480 के लगभग में ओपन हुआ था। और ये क्या क्लोज हुआ था, 25/11/2022 को निफ्टी फिफ्टी क्लोज 18,498.40 इसमें क्लोज हुआ था। अब आज का मार्केट क्या कहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है आज पराक्रम का दिन है, उनको पावर मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है व्यक्तित्व का भी, उनका व्यक्तित्व भी बनेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए धन कुटुंब परिवार के लिए काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन उनको खर्च भी आज होगा, धन से खर्च के भी योग बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए तो दिन थोड़ा सा केयर करें, दिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको लाभ जरूर मिलेगा मकर राशि वालों को। अब हम कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के खर्च के दिन है, गवर्नमेंट से काम भी बनेंगे कुंभ राशि वाले। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जो हैं उनके लिए जो है भाग्य साथ देगा, गवर्नमेंट से उनको फायदा भी हो सकता है, और काम करने के लिए, राज करने के लिए उनको आज राज से भी उनको फायदा होगा, अच्छा दिन है। मेष राशि वालों का थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, कष्ट का सामना करना पड़ेगा मेष राशि वालों। और हालांकि जो है उनका भी, मतलब जो है मेष राशि वालों का भी जो है काम आज राज से अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो आज व्यवसाय के लिए काफी अच्छा है और दाम्पत्य जीवन के लिए भी काफी अच्छा है। साथ साथ वृषभ राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य जो है साथ देगा, भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है आज समय अच्छा नहीं है, उनको शत्रुओं से बचना चाहिए, रोग ऋण भी यदि हो रहे हैं तो उससे भी बचना चाहिए, और मेन कष्ट भी हो सकता है शत्रुओं से, थोड़ा सा मिथुन राशि परहेज करें, केयर करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि, सॉरी कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है, कर्क राशि वालों के लिए आज शिक्षा के लिए भी काफी अच्छा है, व्यवसाय के लिए भी काफी अच्छा है। तो शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए कर्क राशि वाले बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए भी सुख सुविधाओं के लिए तो अच्छा है, लेकिन सिंह राशि वाले भी आज शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें, और सिंह राशि वालों को भी केयर करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए आज जो है अच्छा है, उनको पावर मिलेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए जो है धन का अच्छा योग बना हुआ है, साथ साथ जो है उनको सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। और ये थे 12 राशि के राशिफल। अब हम जानेंगे निफ्टी फिफ्टी मार्केट। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी मार्केट जो है स्टार्ट जो होगा आज जो है, निफ्टी फिफ्टी मार्केट जो है डाउन से स्टार्ट होने की संभावना है। और ये क्या है कि मार्केट में उतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, लेकिन जो है स्टार्टिंग पॉइंट डाउन रहेगा। धन्यवाद।